ये है पेट्रोल और हम ये क्यों लेके जा रहे हैं पता है आपको? क्योंकि हम सारे जा रहे हैं अपनी बाइक लेने। बाइक मेरी नहीं, ना भैया की, ना डमाडस मेंडस की, बाइक है फरिया की। जब फरिया शो में जीती थी तो अभी हम जा रहे हैं, वो बाइक हमें मिल चुकी है, तो हमें बुलाया कॉल करके कि आ जाए अपनी बाइक ले जाए। तो हम जा रहे हैं बाइक लेने, बाइक लेने चलते हैं, फिर घर भी जाना है वापसी। तो जल्दी जल्दी चलाओ ताकि जल्दी पहुंचे भाई, वरना रात हो जाएगी, फिर बंद हो गया, फिर अगर ऑफिस तो फिर कैसे मिलेगी बाइक हमें। चलाओ चलाओ चलाओ। Excited हो? कितने excited हो? बहुत सर, अपनी बाइक का भी चेक कर रहे हैं भरम आप, अपनी बाइक आ रही है, हम चलाएंगे। वाह भाई वाह, बाइक लेने आई है यार, शुरू बाइक तो दो यार। इन लोगों ने ऑन स्क्रीन देखा है कि जीती है भाई वो गेम और अनाउंस हुई है सबके सामने। सही है, और क्या सर, नहीं जो भी जीतता है सबको मिलती है बाइक। एग्जैक्टली, लेकिन फरिया को टेंशन थी, टेंशन थी नहीं, नहीं बस मिल गए, बस खुश है। अब जाके नीचे हमने बस बाइक दिखानी और बाइक पे बैठ के जाना है। अभी तुमने जो मारा ना, ये देखो यार, सॉरी गलती हो गई, चले चले आप, अरे चले बाइक मिल गई ना, आ जाओ, चलो आ जाओ बाइक रोक ले, देख नहीं नहीं मजाक। और मिल गई है फरिया को फरिया की बाइक, अब उसको घर लेके जाएंगे। तो भाई जल्दी जल्दी घर पे लेके चलो भाई, मैंने अपने दोस्त को रेडी किया था कि भाई आ जाओ और बाइक लेके चलो हमारे साथ। तो अब जल्दी बैठो गाड़ी के अंदर और ये बाइक लेके जा रहे हैं। हमारा हेलमेट फ्री में, जी हेलमेट फ्री में दिया है, गाड़ी को पैसे लिए है? नहीं नहीं, हेलमेट फ्री में दिए, गाड़ी भी फ्री में दी है। वो बाइक है जो फरिया गेम शो में एक बार आई थी, इसने पास लिया था कंटेस्टेंट के तौर पर, इसको बाइक मिली थी रमजान लीग के अंदर, राइट? आज वो बाइक मिल गई है, तकरीबन 3 या 4 वीक बाद बाइक मिल चुकी है हमें, और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। भैया बहुत खुश है, हैप्पी है। तो बाय, बाइक रेडी है हमारी, खड़ी कर दी, अब इसको यही खड़ी करना सही है। सही है फरिया, अब ये बाइक यही खड़ी रहेगी, इसको संभाल के रखना, ये फरिया की बाइक है। सही है, जब तक फरिया मिठाई भी लाएंगे इसके लिए, जब तक फरिया बाइक नहीं सीख लेगी, जब तक ये बाइक यही खड़ी रहेगी। अब हाँ, ये फरिया जीती है भाई, बाइक ओके। अब हम चलते हैं, हमें करना है आज Q&A, हम चलते हैं Q&A की तरफ। ताज भाई, अगर तुम्हारा क्वेश्चन भी कोई हुआ तो मैं तुम्हारा भी जवाब दूंगा Q&A के अंदर। सही है, सही है, ओके, बिल्कुल बिल्कुल, लेट्स गो। Q&A के लिए रेडी हो? Q&A के लिए, Q&A के लिए, ओके चलो चलिए चलते हैं घर पे और करना है हमने Q&A। थक गए, बहुत थक गए भाई, बहुत थक गए, खोल दे भाई, बहुत वेट हो रहा था। हाँ क्या हो गया ऐसा, क्या? तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज का Q&A सेशन। पहली बार हम अपने चैनल पे Q&A वीडियो कर रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ हम Q&A कर रहे हैं आज। भाई कैसे होंगे, एक सवाल आप, एक सवाल मेरा, एक सवाल इसका, एक सवाल सबका, जो भी आए जवाब देना है। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से, कि पहला सवाल क्या है, आपके और सबा के रिलेशनशिप को कितना टाइम हो गया, प्लीज आंसर। तो ये आंसर सबा देगी, 4 साल होने वाले हैं। चलो गाना गाते हैं, 4 साल होने वाले हैं, 4 साल होने वाले हैं। इस तरह से हम जवाब दें तो क्या बोलूं, आप मतलब डिस्क्राइब करें कि हमारे रिलेशनशिप को 4 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया 4 साल और आगे भी चलता रहेगा। और वैसे तो बस आपने जो सवाल पूछा था, हमने सिर्फ वो जवाब देना, बाकी जवाब नहीं दे रहे अभी, क्योंकि मैंने कर रहे थे 5 से 6 सवाल, उसमें से आपने एक सवाल ये था कि आपके रिलेशनशिप को कितना टाइम हो गया, 4 साल कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल है, तो स्क्वाड में वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। नहीं, स्क्वाड कब था, स्क्वाड था कुछ भी, हमारे हुसैन तरीन साहब ने बोल दिया, जो कि मेरे भाई हैं, उन्होंने बोल दिया स्क्वाड था ही नहीं, तो स्क्वाड में वापसी कैसे जाऊं। तो ये सवाल आप प्लीज अपने वापसी पास रखें। मैं अब दरअसल कर रहा हूँ ब्लॉगिंग और मेरा कंटेंट है फैमिली कंटेंट। आप लोग को पसंद करना है करें, आप लोग को एंजॉय करना है करें, आप लोग को सब्सक्राइब करना है करें, प्लीज खामोश, आप सब्सक्राइब करना है तो करें, आप लोग को मुझे पसंद करना है करें, लाइक करना है करें, मेरे साथ है मेरी पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं आपको अच्छी तरीके से अच्छे वाले कंटेंट और जो पाकिस्तानी मतलब देसी फैमिलीज होती हैं सबके अंदर के करेक्टर है। तो मैंने क्यों ना सोचा कि मैं आप लोग के सामने यूट्यूब पे प्रेजेंट करूँ अपनी फैमिली को और अपने कॉन्टेंट को। तो आप लोग मुझे पता है बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ जो चीज़ है ही नहीं उसके अंदर मुझे डालने की बात भी ना करें, थैंक यू। अब चलते हैं हम लोग अपने
तीसरे सवाल की तरफ। एटीट्यूड बॉय, क्या आपका सगा भाई है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसमें नहीं, मैं सगा भाई थोड़ी हूँ। फिर क्या हो गया? ओए ओ भाई, रियल में नहीं रोना। बाप मुझे ये वापस या घर पे ले आए थे अपने, मुझे रोना आ गया एक्टिंग देखकर। पता है आप लोग को, तो आप लोग के लोग के पास, जब से मैं इनके घर पे आया हूँ, जब से मैं इनका भाई हूँ, कंप्लीट। जब से मैं इनके घर पे आया हूँ, कब से आए? जब से मैं इनका भाई हूँ और मैं इनका सगा भाई हूँ, ये मेरे सगे भाई ही हैं। क्या हुआ? जवाब कंप्लीट। कंप्लीट। चल आप लोगों ने एटीट्यूड बॉय से जवाब मांगा था, तो एटीट्यूड बॉय ने ही आपको जवाब दिया है, तो कंप्लीट हो गया जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लूं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप टिकटॉक क्यों नहीं बनाते? बिग फैन ऑफ जेरी। तो थैंक यू जो जो जेरी गैंग को सपोर्ट करते हैं और मुझ जैसे जेरी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो सीन ऐसा है कि टिकटॉक मैं क्यों नहीं बनाता, टिकटॉक से मैंने स्टार्ट लिया था लेकिन अब मैंने टिकटॉक छोड़ दिया है, क्योंकि टिकटॉक पे भी मेहनत मैंने बहुत की है, 3 साल टिकटॉक पे मेहनत की है, लेकिन अब मैंने करनी है यूट्यूब पे मेहनत। पहले भी मैं बाहर जाता था, बताओ, मैं कंटेंट जो करता था टिकटॉक के, मैं बाहर जाके वीडियोस बनाता था, मैं धूप में बहुत काला हो गया था, मेरे सारे हाथ काले हो गए, गर्दन वर्दन शक्ल वगैरह सब काली करी थी मैंने टिकटॉक के चक्कर में ना। अब सीन ऐसा है, तो मैंने बोला कि यार अब जब आगे बढ़ रहे हैं, एक चीज होती है ना, आप जब अपनी जर्नी पीछे देखते हो, आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हो, तो कुछ ना कुछ कर रहे होते हो। पहले मैं टिकटॉक बनाता था, अब टिकटॉक से भी तो मुझे आगे निकलना था ना, कुछ ना कुछ तो बनना था ना। पहले मैं गया शो में, टिकटॉक शो फिर यूट्यूब, तो अब यूट्यूब पे मैं कंटेंट बना रहा हूँ और लगातार मेहनत तो कर रहा हूँ, रोज रोज रिकॉर्डिंग एडिटिंग रिकॉर्डिंग एडिटिंग। जिस तरह अभी भी मैंने आज के दिन 2 व्लॉग बनाए, बनाए नहीं बनाए, अभी भी दूसरा व्लॉग बन रहा है, एक ही दिन के अंदर मैंने 2 व्लॉग बनाए। ये मेहनत चल रही है, लगातार करते रहेंगे मेहनत, तो हमें बनना है अब यूट्यूबर। मैं मानता हूँ मैंने टिकटॉक से स्टार्ट लिया था, लेकिन हमें आगे भी तो बढ़ना है ना। ये थोड़ी कि अगर मजदूरी कर रहे हैं तो कभी हम बिल्डर नहीं बनेंगे, वो बिल्डर भी बनता है, फिर उसको ये नहीं बोलते कि तू मजदूर है। आर्मी में आप जनरल, कर्नल, फिर आगे और पोस्ट होती हैं, और फिर ब्रिगेडियर बनता है, तो उसको ब्रिगेडियर ही बोलते हैं। इसी तरह अब मुझे बनना है यूट्यूबर, तो आप लोग मुझे यूट्यूब पे सपोर्ट करें और मेरे साथ रहें, इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे और बहुत बड़े यूट्यूबर बनेंगे, पूरा वर्ल्ड यूट्यूब पे, पूरा वर्ल्ड। और पाकिस्तान से भी बहुत लोग हैं जो व्लॉग करते हैं, जैद अली हो गया, शाबिर हो गया, बहुत सारे हैं जो व्लॉगिंग करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं डेली व्लॉगिंग करूं। डेली व्लॉगिंग और मंथ वाइज या वीक वाइज व्लॉगिंग वो अलग डिफरेंट होता है। तो सीन ऐसा है, जो हफ्ते हफ्ते में वो होती है ना व्लॉगिंग, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, वो वाली एडिटिंग भी मुझे आती है। सीन ऐसा है कि मैं डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ, वो मोबाइल से कर रहा हूँ, मोबाइल पे एडिट करता हूँ, लेकिन इसमें भी मुझे रोज रोज मेहनत करनी पड़ती है, रोज रोज न्यू व्लॉग, रोज रोज न्यू एडिट। क्लियर? नहीं। हाँ तो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है फरिया के लिए। यार ये तो हम भूल ही गए थे। ओ भाई फरिया के लिए सवाल ही भूल गए, हमने बोला कि हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, लेकिन लास्ट क्वेश्चन नहीं था। टीवी करते हैं टीबीएच फरिया। तो फरिया को मैं क्या टीबीएच दूं यार, मेरा प्यारा मुन्ना है, छोटा सा मेरा प्यारा मुन्ना है सबसे, और मेरे साथ व्लॉगिंग करता है। पहले ये मुझे बोलती थी कि मैं व्लॉगिंग नहीं करूँ, मुझे वीडियो में नहीं लो, मुझे शौक नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको शौक चढ़ता गया और मेरे साथ व्लॉगिंग करती रही, और मेरे साथ जितनी मेहनत मैंने की उतनी मेहनत इसने भी की है, इसने मेरा पूरा साथ दिया व्लॉगिंग के लिए। कभी ये नहीं बोला कि नहीं मैं नहीं कर रही, मैं सो रही हूँ, मैं थक गई, इस तरह नहीं। बहुत शाय कैमरा शाय है ना, अक्सर पता क्या होता है, मैं इसका बताता हूँ आपको, ये मुझे बोलती है मुझे व्लॉग में नहीं लो, ये बोलती है, ये शाय है बहुत बहुत, ये बोलती है मुझे कैमरे में नहीं लो। टीबीएस सभा बहुत अच्छी, बस इतना था, बस हाँ इतना ही। अब चलते हैं अपने लास्ट सवाल की तरफ, और लास्ट सवाल ये है, एडवर्ड बर्गर सुनाएंगे, तेज पड़ गया। बस फजूल की सिंपथीज लेने के लिए बकवास ना करना किसी के बारे में, जो तुम्हारा काम है बाकी जो मर्जी करो। यार मुझे भी रोना आ रहा है ये सुनकर, यार क्या करूं, रुझो मैं भी तुम्हारी तरह। प्लीज यार सब्सक्राइब कर दे, फॉलो कर दे, लाइक कर दे, सिंपथी चाहिए मुझे, प्लीज सिंपथी दे दे प्लीज। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। मेरा भाई रो रहा है आप लोग के लिए यार। प्लीज यार लाइक करे, कमेंट। नहीं यार प्लीज, एक मिनट, हमें सिंपथी नहीं चाहिए भाई, हमें पता है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरह आगे जाना है, किस तरह काम करना है, तो आप लोग नहीं बताए जो हेटर्स हैं। आपको पता है एक बात, आपको पता है सुबह सुबह ना हेटर्स जाग रहे होते मेरे, जाग रहे होते हैं कि ब्लॉग की नोटिफिकेशन आती है, जाके क्लिक करते हैं और डिसलाइक करते हैं, लेकिन डिसलाइक से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे और अच्छी फैमिली के
अच्छे पेरेंट्स ने जिनको तरबियत दी अपने बच्चों को, उस तरह के बच्चे मेरे पास हैं। हेटर्स भी जो आपके तब बनते हैं जब आप बहुत ज्यादा कामयाब हो जाते। बिल्कुल, ये पीछे से बोल रही है, मैं इधर आवाज आ रही है, मैं आपको बताता हूँ। सबा का कहना ये है कि हेटर्स भी आपके जब बनते हैं जब आप कामयाब हो रहे होते हो, उससे पहले आपके हेटर्स नहीं होते। तो इससे पता लगता है कि आप कामयाब हो रहे हो। और हमें सिंपति, मैंने लेके दिखा दी सिंपति कैसे लेते हैं। प्लीज यार सब्सक्राइब कर दे, फॉलो कर दे, लाइक कर दे, सिंपति चाहिए मुझे, प्लीज सिंपति दे दे प्लीज। कुछ भी और ऐसी सिंपति मुझे नहीं चाहिए प्लीज। सही है, अब चलते हैं अपने यूट्यूब पे। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें। अच्छा, उम्मीद है कि आपको मेरे सवाल पसंद आए होंगे और बहुत कॉमेडी, मतलब क्यों इन्हें किया, इस तरह नहीं के बिल्कुल ही बोरिंग कॉमेडी कर दिया, बोरिंग नहीं किया, लेकिन अच्छा क्यों इन्हें किया। तो आप लोग प्लीज लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस प्रेस और माधव को सपोर्ट करें। प्रेस इस तरह था, प्रेस इकलौता नहीं है, ये सगा ही हमारा भाई बस। उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, प्लीज करें और वो बेल आइकन सपोर्ट करें। और उम्मीद है आप लोग को क्यों इन्हें बहुत मजा आया होगा, जो जो जवाब दिया मैंने आपको। तो प्लीज आप उसको अपने दिल पे मत लिए, प्लीज आप अपने उसको दिल पे मत लिएगा, क्योंकि ये सवाल ही ऐसे पूछे गए थे जो जिस तरह मुझे जवाब देना पड़ गया। और मुझे पता है मुझे सपोर्ट करने वाले बहुत हैं और चाहने वाले बहुत हैं, इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग देखते रहिएगा, पूरे साल ब्लॉगिंग करनी है। बाय बाय। मेरी बात क्या बोला मैंने, कहा इंशाल्लाह।